हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम के पी गुड टिप्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो SBI ऐप से आप बिजली बिल जमा कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं किस तरह से बिजली बिल जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, आप जो है योनो SBI ऐप्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसमें एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें ओपन कर लेंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको नीचे जाना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल पेमेंट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे में आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तो आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है, क्यूक बिल पे। तो यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल का बिल जमा करना है, यानी कि बिजली बिल का जमा करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको DTH का रिचार्ज करना है तो उस पर कर सकते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करना है उस पर कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको चूज करना है किस तरह का हमको रिचार्ज करना है। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं बिजली बिल जमा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है सेलेक्ट बिलर्स लोकेशन, तो आपको लोकेशन अपना सेलेक्ट करना है। तो चलिए, हम यहाँ पे बिहार से हैं तो बिहार से हम अपना लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से रहते हैं तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टेट है, दिल्ली है, असम है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल बिहार पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही बिहार पे हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे सेलेक्ट बिलर्स आ गया, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए, आपका कौन से कंपनी का बिल जमा होता है, एक है साउथ बिहार पावर, एक है नॉर्थ बिहार पावर, तो आपको बिजली बिल के ऊपर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, हम नॉर्थ बिहार पावर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बोला जाएगा आपका कंज्यूमर नंबर क्या है, यानी कि CA नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए CA नंबर हम अपना डाल देते हैं। तो CA नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे और मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों, जो मोबाइल आपको बिजली बिल लेते समय आप दिए थे, वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम अपना मोबाइल जो है नंबर डाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, हमारे पास जो है टोटल जो है डिटेल आ चुका है, किस महीने का कितना बिल है। देखिए, बिल मंथ 431 रुपया है, तो हमको ये पे करना है। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल देख सकते हैं, कंज्यूमर नंबर अपना जो आप पे जिसका नाम है बिल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर पे करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वन टाइम पासवर्ड के रूप में आएगा, तो वही आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे OTP सबमिट कर देते हैं। जब तक हम ये OTP वन टाइम पासवर्ड के रूप में सबमिट नहीं करेंगे, तब तक मेरा जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो चलिए, सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने देखिए सक्सेस लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए, मेरा जो है सक्सेस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो ये देखिए, मेरा है सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे पेटीएम ट्रांजेक्शन भी ID यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप जो है इसी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे ओके भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप बिजली बिल जो है जमा कर सकते हैं। तो अगर आपको इस योनो SBI ऐप्स का पासवर्ड नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, आपको पासवर्ड कैसे पता करें तो वो भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप देख के पासवर्ड पता कर सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं तो। अगर
आप यूजर नेम भी भूल चुके हैं तो वो भी हम वीडियो बनाए हैं, तो उसको भी देखकर आप जो है योनो SBI ऐप्स का यूजर नेम देख सकते हैं, यानी कि पासवर्ड और यूजर नेम के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आपको नहीं मालूम है अपना योनो SBI ऐप्स का तो आप देखकर अब मालूम कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप कोई भी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, तो आपको वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे बना के देने का। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।